हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत कॉमन टॉपिक एच वैक्सीन जिसको हम कॉमनली जानते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के नाम से जब भी हम एच वैक्सीन की बात करते हैं तो दो डोज शेड्यूल होते हैं फर्स्ट अगर हम 9 टू 14 इयर्स की अपनी डॉटर को जो है वैक्सीनेट कराना चाह रहे हैं तो एक फर्स्ट डोज लगेगा और उसके छः से बारह महीने बाद सेकेंड डोज लगेगा सेकेंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी सिक्स के बीच में है पंद्रह साल से छब्बीस साल की महिलाएँ अगर वैक्सीनेशन करवाना चाह रही हैं तब तीन डोज लगेंगे जीरो यानी अभी लगेगा फिर वन सिक्स एक महीने बाद और छः महीने बाद मोर देन ट्वेंटी सिक्स ईयर्स के बाद कोई रिकमेंडेशन क्लियर कट नहीं है लेकिन कुछ प्रैक्टिशनर्स एडवाइस करते हैं क्योंकि इसके माइल्ड बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि प्रूव नहीं है अगर आप छब्बीस साल से ऊपर हैं और वैक्सीनेशन का सोच रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इसके प्रॉस एंड कॉन्स जरूर समझिए सर्वाइकल कैंसर अपने आप में वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर है महिलाओं में और वैक्सीन इसको ऑलमोस्ट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट तक प्रिवेंट करती है प्रेवेंट करती है खत्म नहीं करती है रिस्क अतः हाँ आपकी जो पैप स्मेयर की रूटीन विजिट है हर तीन से पाँच साल में जिसका एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है वो आपकी एज इट इज़ चलते रहनी है आपको उसमें नहीं रुकना है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 9 साल से कम छोटी बच्चियों में और प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के समय ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं कुछ कंट्रीज़ में यह वैक्सीन बॉयज़ में भी दी जाती है क्योंकि ये जेनाइटल वार्ड जेनाइटल वार्ड अपने आप में प्राइवेट वार्ड्स में छोटी छोटी इन्फेक्शन की गठान हो जाना है एच पी वैक्सीन इन्फेक्शन की वजह से ये दी जाती हैं तो बॉयज़ में भी ये वैक्सीनेशन कुछ कंट्रीज़ में रिकमेंडेड है इंडिया में दो तरह की वैक्सीन आती हैं बाई जो कि दो तरह के वायरस को प्रिवेंट करती है और क्वाड्रीवेलेंट जो कि चार तरह के वायरस को प्रिवेंट करती है हमें प्रेफरेबली क्वाड्रीवेलेंट यानी कि चार वायरस को प्रिवेंट करने वाली वैक्सीन की जाना है कुछ कंट्रीज में नाइन वैलेंट वैक्सीन भी आती है जो कि वॉट्स वगैरह में ज्यादा इफेक्टिव होती है थैंक यू एच वैक्सीन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करें